हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके इन्फो यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में आपने देखा वीपीएस पीडब्ल्यूआर के बारे में, तो इसको जाना समझा अब हम बात करेंगे सिमेटिक्स रीड करना कि वीपीएस पीडब्ल्यूआर को कैसे सिमेटिक्स में रीड करते हैं, ये सप्लाई किस आईसी से निकली और कहाँ कहाँ गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने रेडमी का 8A फोन लिया हुआ है, इसमें ये आईसी पीएमआई लगी है 632। यहाँ से वी बैट निकला हुआ है बैटरी को चार्ज करने के लिए, वी बैट पावर, और यहीं से वी पी एच पी डब्ल्यू आर निकला है 55, 56, 57 वॉल से। ये कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ये आपका टीवीएस डायोड लगा है। तो देखते हैं ये सप्लाई कहाँ कहाँ गई हुई है। तो सबसे पहले हमने देखा कि पीएमआई के अंदर डिस्प्ले सेक्शन होता है, तो डिस्प्ले के लिए भी यहाँ से सप्लाई एंटर की है पिन नंबर 26 में। ये जो आईसी आप देख रहे हैं ये बॉल आईसी होती है, तो बॉल 26 में एंटर हुई है डिस्प्ले के लिए, इनपुट वोल्टेज का काम कर रही है। इसके बाद ये जो आप देख पा रहे हो ये फ्लैश एलईडी के लिए इनपुट का काम कर रही है इसी आईसी में। फिर से डिस्प्ले सेक्शन में आ गई सप्लाई। फिर आप देख पा रहे हैं जो मेन पावर आईसी लगी है PM439, इसमें भी आईसी में सप्लाई गई है। कौन सा सेक्शन में? हार्डवेयर, एच के हार्डवेयर सेक्शन। ये आरएफ क्लॉक के लिए भी सप्लाई गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है VREG1 के साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाइल, काफी सारी सप्लाई में लिखी हुई है। ये जो क्वाइल्स हैं ये क्या है? बक क्वाइल्स हैं। तो ये जो VREG1 है ये बक कन्वर्टर सर्किट के लिए, इनपुट वोल्टेज भी यही VPH PWR से गया हुआ है, यहाँ से एंटर हुआ है। रास्ते में कंपोनेंट्स भी लगे हुए हैं, जब शॉर्टिंग होती है तो ये कंपोनेंट भी शॉर्ट हो सकते हैं, या लीकेज होता है तो ये कंपोनेंट भी लीक हो सकते हैं। ये भी पावर आईसी के एलडीओ सेक्शन में गया हुआ है क्योंकि यहाँ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, तो यहाँ एंटर हुई इनपुट वोल्टेज। ये सीडीसी यानी कोडेक सेक्शन जो होता है, ऑडियो कोडेक सेक्शन पावर आईसी के अंदर, उसमें भी एंटर की है ये सप्लाई। ये देखिए एलसीडी बैक लाइट सेक्शन, इसके लिए भी इनपुट वोल्टेज का काम करती है, ये सप्लाई एंटर की है। फिर आप ये देख रहे हैं एलडीओ लगा हुआ है, 1.8 वोल्टेज बन रहा है एलसीडी के लिए, वो भी ये एलडीओ 5 पिन वाला, इसमें भी इनपुट वोल्टेज वीपीएच पीडब्ल्यूआर है। ये एवीडीडी यानी कैमरा के लिए भी यहाँ से एलडीओ लगा हुआ है 5 पिन का, उसके लिए भी इनपुट वोल्टेज वीपीएच पीडब्ल्यूआर है। ऑडियो पीए जो रिंगर आईसी लगी हुई है उसमें भी इनपुट वोल्टेज वीपीएच पीडब्ल्यूआर ही है। तो टोटल हमने देखा इस वीडियो में कि जो MI8A है उसमें पावर आईसी साथ में पीएमआई में भी गई है, ये वोल्टेज 3.7 से 4. वोल्ट वीपीएच पीडब्ल्यूआर, साथ में आपका रिंगर आईसी में भी गई है, एलडीओ में भी गई है। तो कई आईसीज ऐसे हैं जिसमें वीपीएच पीडब्ल्यूआर गई है। तो अगर आपके पास सिमेटिक्स डायग्राम है तो जो वीपीएच जहां से निकली है पीएमआई से, और रास्ते में कौन से कंपोनेंट्स हैं, और साथ में किस आईसी में जाते समय रास्ते में कौन से कंपोनेंट मिले हैं, हम पूरी लाइन ट्रेस करके फॉल्ट फाइंड कर सकते हैं, यानी लाइन की लीकेज को जान सकते हैं, लाइन की शॉर्टिंग को जान सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वीपीएस सप्लाई को बोर्ड में कैसे चेक करते हैं, यानी वोल्टेज कहाँ कहाँ गई है, और वो वोल्टेज 3.7, 4.2 वोल्ट हम चेक करके दिखाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।